Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा ने चीन की दो कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक पाबंदी सिक्योरिटी खदशात के सबब लगाई गई है। चीन की जानिब से पाबंदियों की मजम्मत। अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी का ओहदा छोड़ने का ऐलान। नए रहनुमा के इंतखाब तक कैनी यूसीपी के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के नए रहनुमा की दौड़ तैयार है। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान। दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। शहर में हफ्ते और इतवार को बारिश का भी इम्कान है। रूस का यूक्रेन में जदीद तरीन लेजर हथियार इस्तेमाल करने का ऐलान। रूस के नायब वजीर खारजा का कहना है कि सिस्टम यूक्रेन की सरहदों पर कायम रूसी फौजी अड्डों के लिए अरसाल किया जा रहा है और उन हथियारों की फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इराक पर हमला जालिमाना और बिला जवाब था। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की जबान फिसल गई। इराक पर अमरीकी हमले को जालिमाना इकदाम करार दे दिया। श्रीलंका में मौशी बहरान पर जारी कशीदगी में कमी न आ सकी। एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस की शैलिंग। वाटर कैनन का भी भरपूर इस्तेमाल। खुराक की शदीद किल्लत के बायस हम भूख से मरने वाले हैं। श्रीलंकन वजीर आजम। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिले इत्माद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रेकर्ड शकील आलम को 416-727-1624 पर जरूर राब्ता कीजिए। कनाडा ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दो चीनी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों की मसनूआत और सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दो चीनी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों की मसनूआत और सर्विसेज पर पाबंदी आयद कर दी। कनाडा के वजीर सनत फ्रेंको फिलिप ने बताया कि पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी एजेंसीज ने भरपूर जायजे और इत्तेहादियों से मशावरत के बाद किया गया है। कनाडा में सरकारी हुकाम ने 19 मई जुमेरात के रोज बताया कि हुकूमत ने कनाडा में तेज रफ्तार 5G मोबाइल नेटवर्क्स के लिए काम करने वाली चीन की मवासलात की दो मारूफ कंपनियों हुवावे और ZTE पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। उनका मजीद कहना था कि ऐसी सर्विसेज फराहम करने वालों के पास अगर पहले से ही ये साजो सामान नस्ब है तो उन्हें इसका इस्तेमाल बंद करने और इसे हटाने की जरूरत होगी। कनाडा में कंपनी पर पाबंदी के इस फैसले की तवक्को सन 2019 में की जा रही थी। ताहम अमरीकी वारंट पर हुवावे कंपनी की एक सीनियर एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी के बाद कनाडा और चीन के दरमियान सिफारती तनाजा पैदा हो गया था। इसी वजह से इस फैसले को कई बार मौखर करना पड़ा। इससे कबल अमरीका भी चीनी कंपनियों पर 5G टेक्नोलॉजी के जरिए जासूसी के इल्ज़ाम में पाबंदी आयद कर चुका है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल अमरीका ने इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए 5 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। चीन ने अमरीकी इकदाम की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा है कि चीनी कंपनियों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीनी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियाँ काबिल मुज़म्मत हैं। चीनी कंपनियों के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे। बाइडन इंतजामिया ने चीन की बड़ी सोलर पैनल कंपनी की दरामदात पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। अल्बर्टा के प्रीमियर जेसन कैनी के ओहदा छोड़ने के ऐलान के बाद यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के नए रहनुमा की दौड़ तैयार है। ताहम नए रहनुमा के इंतखाब तक
कैनी यूसीपी के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी के ओहदा छोड़ने के ऐलान के बाद यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी के नए रहनुमा की दौड़ तैयार है। ताहम नए रहनुमा के इंतखाब तक केनी यूसीपी के सरबराह के तौर पर काम करते रहेंगे। केनी ने अपनी क्यादत के जायजे में 51.4% हिमायत हासिल की, जो उनके लिए पार्टी कवानीन के तहत अपना ओहदा बरकरार रखने के लिए काफी है। ताहम उन्होंने कहा है कि नतीजा इतना अच्छा नहीं है कि वो रहनुमा के तौर पर रहें और बहुत से अराकीन ने फिजा साफ करने का मौका मांगा है। 2017 में यूसीपी की तश्कील के लिए प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स के साथ जम होने वाली वाइल्ड रोज पार्टी के दो साबिक रहनुमाओं ने इशारा दिया है कि वो क़यादत का इंतखाब लड़ने का इरादा रखते हैं। ब्रायन जेन, जो यूसीपी क़यादत के इफ्तिताही दौर में कीनी से हार गए थे और एक बेबाक कीनी नक्काद रहे हैं, ने प्रीमियर का उनकी महज़ब और मुअज़्ज़ज़ रियायत पर शुक्रिया अदा किया। सियासी तज़िया निगारों का कहना है कि नताइज से जाहिर होता है कि यूसीपी एक ऐसे रहनुमा की भूखी है जो अल्बर्टा के मफादात के लिए लड़ेगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में इस वीकेंड पर मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। हफ्ते के रोज शहर में धूप के साथ बादल छाए रहेंगे, जबकि हल्की बारिश का भी इम्कान है। दिन के औकात में शहर का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जो रात में 13 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की तवक्को है। हल्की बारिश का सिलसिला शहर में इतवार के रोज भी जारी रहेगा, जबकि दर्जा हरारत दिन के औकात में 20 और रात के औकात में 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। आइंदा हफ्ते शहर का कम से कम दर्जा हरारत पीर की रात 7, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जुमेरात के रोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने टीवी पर अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस यूक्रेन में ज़ादीरा सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है। लेज़र सिस्टम 5 किलोमीटर के फासले पर अपने अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन में जदीद तरीन लेज़र हथियार इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा योरी बोरिसोव ने टीवी पर अपने एक इंटरव्यू में कहा कि रूस यूक्रेन में ज़ादीरा सिस्टम का इस्तेमाल करने जा रहा है। जदीद तरीन लेज़र हथियारों पर मुश्तमिल ज़ादीरा लेज़र सिस्टम 5 किलोमीटर के फासले पर अपने अहदाफ को तबाह करने, 1500 किलोमीटर की रेंज में निगरानी करने वाले तमाम सेटेलाइट्स को जाम करने, मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन तैयारों को तबाह करने और महंगे तरीन मिसाइलों को चलने से रोकने की सलाहियत रखता है। योरी बोरिसोव ने इंटरव्यू में कहा कि ज़ादीरा सिस्टम यूक्रेन की सरहदों पर कायम रूसी फौजी अड्डों के लिए अरसाल किया जा रहा है और इन हथियारों की फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उधर रूस की कौमी सलामती कौंसल के नायब सदर दैमित्री मेदोव ने कहा है कि रूस तीसरी आलमी जंग शुरू करने की इजाज़त नहीं देगा। उन्होंने सारोव नामी एटमी मरकज के दौरे के मौके पर कहा, हमारे जदीद तरीन काबिल एतमाद और मौसर हथियारों के जख़ीरे तीसरी आलमी जंग शुरू करने का ख्वाब देखने वालों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वाज़ह है कि इससे कबल दैमित्री मेदोव ने नेटो के रुकन ममालिक की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के बारे में खबरदार करते हुए कहा था कि यह सिलसिला भरपूर एटमी जंग में तब्दील हो सकता है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूक्रेन पर गुफ्तगू करते हुए इराक पर अमरीकी हमले को गैर मुनसिफाना, बिला जवाज और वहशियाना हमला करार दे दिया। जबान फिसलने का एहसास होने पर अमरीकी सदर ने मौजरत कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यूक्रेन पर गुफ्तगू करते हुए इराक पर अमरीकी हमले को गैर मुनसिफाना, बिला जवाज और वहशियाना हमला करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश डलास में यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे के दौरान खिताब इराक पर अपने ही हुक्म पर किए हुए हमले को बिला जवाज और वहशियाना तस्लीम कर बैठे। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश की जबान फिसल गई, इराक पर अमरीकी हमले को जालमाना इकदाम करार दे दिया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश सदारती मरकज में खिताब के दौरान उस वक्त यूक्रेन और इराक के नामों को उलझा बैठे जब वो रूस यूक्रेन तनाज़े पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने खिताब करते हुए ये लफ्ज़ कहे
एक शख्स को मुकम्मल तौर पर गैर मुनसिफाना और ज़ालिमाना हमला इराक पर। ताहम जैसे ही साबिक अमरीकी सदर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन माजरत तलब करते हुए कहा कि मेरे कहने का मकसद है यूक्रेन। साबिक अमरीकी सदर की जबान फिसलने और जुमले की तब्दीली पर वहाँ मौजूद सामईन कहकहे लगाने लगे। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इस गलती ने कई सहाफियों, तजियाकारों और सियासतदानों में शदीद गुस्से की लहर दौड़ गई और इस पर अपना सख्त रद्द अमल भी दिया और इसे बेहिसी करार देते हुए इस पर सवालात भी उठाए। मुसलमान खातून रुकन कांग्रेस अजहान उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक पैगाम में कहा कि जब आपकी जान बूझ कर की गई गलती आपको धर ले और आप बिलाखिर उसका एतराफ भी करें, लेकिन किसी को आपका एहतसाब करने की परवाह नहीं। वीडियो में लोगों की हंसी पर बरहमी का इजहार करते हुए अलहान उमर का कहना था कि यह हंसना परेशान कुन है जो बता रही है कि ये शख्स और उसके सामईन है कौन। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2011 तक इराक पर अमरीकी हमले के दौरान 209,422 आम शहरी कत्ल हुए। श्रीलंका में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में तलबा भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग से सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शदीद माली और मौशी बहरान के शिकार श्रीलंका को खुराक की किल्लत का भी सामना है, जिससे कहत साली का खदशा पैदा हो गया है। आलमी खबर इस अदारे के मुताबिक श्रीलंका के वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने खबरदार किया है कि माली बहरान और माजी की गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क में खुराक की शदीद किल्लत का सामना है, हम भूख से मरने वाले हैं। रानिल विक्रमासिंघे ने अपनी सिलसिलावार ट्वीट में लिखा कि अमरीका ने दुनिया में खुराक की कमी की पेशगोई की है, जिससे बुरी तरह मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में श्रीलंका और अफगानिस्तान को शामिल किया है। श्रीलंका में मौशी बहरान पर जारी कशीदगी में कमी ना आ सकी, हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने वाले तुलबा पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स बरसा दिए। सदर गोताबाया राजापास्के के घर जाने की कोशिश पर वाटर कैनन का भी आजादा इस्तेमाल हुआ। मौशी बहरान पर कशीदगी बरकरार है। श्रीलंका में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में तलबा भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग से सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। एहतजाज करने वालों ने बैरियर हटा कर सदर के घर की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने वाटर कैनन चला दी। मुल्क के दिवालिया होने के बाद से मुसलसल बढ़ती महंगाई, बिजली की तवील बंदिश और पेट्रोलियम मसनूआत की अदम फरहमी भी अवामी गमगुस्से का बायस बनी हुई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV.